स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल में। तो ये जो है हमारा लास्ट पार्ट है, तो इससे पहले कि हम अपना वीडियो स्टार्ट करें आपको क्विक रिकैप बता देता हूं। इससे पहले कि हमारा इसी केस के दो पार्ट आ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले त्रिवेणी घाट, उसके बाद जो है राम झूला पुल, जो कि मेरे पीछे आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला हमने आपको वीडियो दिखाया था। अगर आपने वीडियो देखा नहीं है तो आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इसके बाद हमने जो है पैदल ही राम झूला पुल को पार किया था, और उसके बाद हमने आपको यहाँ के जो बीचेस है उस पे सैर करके दिखाई थी, और वहाँ पे कुछ मटर गश्ती भी हमने की थी, और साथ ही साथ आपको हमने उससे पुराने अपने लक्ष्मण झूला के पुल के कुछ आपको क्लिप दिखाए थे, जिसमें आपको मैंने पहले बता दिया था कि लक्ष्मण झूले पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वो वाला हम कवर नहीं कर पाए थे। तो आज जो है इसके बाद हम शाम के टाइम पे हम परमार्थ आश्रम जाने का हमारा प्लान बना, तो हम परमार्थ आश्रम गए। तो चलिए परमार्थ आश्रम की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अब हमने पुल पार किया है, दो बार हम पुल पार कर चुके हैं राम झूला का, और हम इसके राइट साइड में आ गए हैं राम झूला के। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मंदिर है। अब हम आपको दिखाएंगे राम झूला के मार्केट को। ये इस तरह की मार्केट आप देख सकते हैं राम झूला के अंदर। यहाँ पे कुछ कपड़ों की दुकानें हैं, आप यहाँ से कपड़े भी खरीद सकते हैं। ये देखिए कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, स्वीट्स की शॉप्स हैं। इवनिंग के टाइम का है ये व्यू। तो थोड़े समय में यहाँ पे इवनिंग का समय हो गया, इसके बाद गंगा मैया और राम झूला का कुछ इस तरह के आपको दृश्य दिखाई पड़ते हैं, और कुछ इस टाइप से आपको ऋषिकेश का इवनिंग का नज़ारा दिखाई पड़ता है, और कुछ इस टाइप से आपको गंगा जी की लहरें आपको दिखाई पड़ती हैं। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा हमारा गुजरा, और कुछ ही देर में हम परमार्थ आश्रम में पहुँच गए, और परमार्थ आश्रम में हमने गंगा आरती के लिए लगभग 2 घंटे का टाइम हमने वहाँ पे गुजारा। तो आप जो है अंत तक वीडियो में बने रहें और गंगा आरती का आनंद लें, और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल वाले आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियोज़ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। हाँ तो दोस्तों हम जो है परमार्थ निकेतन पहुँच चुके हैं, तो परमार्थ निकेतन में कुछ जो है अभी आपको दर्शन करवा देते हैं। यहाँ पे जो है अभी गंगा आरती होने जा रही है, तो गंगा आरती होने से पहले मैं आपको यहाँ का जो है कुछ नज़ारे दिखा देता हूँ। चलिए कुछ इस टाइप के नज़ारे आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। तो इस टाइप के कुछ नज़ारे आपको दिखाई पड़ेंगे। इस टाइप का नज़ारे आपको दिखाई पड़ते हैं। जब भी ऋषिकेश आएंगे तो ये वाली मूर्ति जो है भोलेनाथ की आपको जरूर दिखाई पड़ेगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश शक्ति हो लो
सारी जनता यहाँ पे अपना जो है गंगा आरती के तो काफ़ी आनंद आ रहा है हमारे को यहाँ पे, क्योंकि गंगा आरती अभी जो है स्टार्ट होने वाली है। तो अब जो है यहाँ पे हम वेट करेंगे, यहाँ पे से ही हमारे जो है इसके बाद कोशिश करेंगे कि तिरवाणी घाट हम जाएंगे। तो चलिए आप भी जो है इस परमार्थ निकेतन के दर्शन कीजिए। यहाँ पे जो है ये शिव जी की, भोलेनाथ जी की एक जो है बहुत ही बड़ी और अच्छी सी मूर्ति है यहाँ पे। समय है गंगा आरती में, तो अभी हम आपको जो है पूरा परमार्थ निकेतन सही से दिखा देते हैं। यहाँ पे एक जो है हनुमान जी की जो है काफ़ी बड़ी सी मूर्ति है, यहाँ पे आपको लेकर चले जाता हूँ मैं। वहाँ पे जो है एक वानरराज भी जो है अपना घूम रहे हैं। और एक यहाँ पे जो है हनुमान जी का भी मंदिर है। यहाँ पे से जो है गंगा मैया जो है बहती हुई, और ये सामने जो है शिव जी की जो है एक बड़ी सी मूर्ति जो कि आपको अक्सर जो है दिखाई पड़ती होगी गूगल पे। और ये सामने आपको ऋषिकेश का नज़ारा जो कि अभी इवनिंग का है। सामने आपको ये जानकी पुल दिखाई पड़ेगा, जानकी झूला कहते थे। और ये सामने आपको ये यहाँ का पूरा एरिया दिखाई पड़ेगा। आश्रम के पास में ये खूबसूरत सी बिल्डिंग्स है, ऊपर आपको ये एक क्लॉक टावर भी दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पे खूब सारे जो है फॉरनर्स आपको दिखाई पड़ जाएंगे जो भी यहाँ पे आरती का आनंद ले रहे हैं।
संकट हरा। तो आपको मैं यहाँ पे भोलेनाथ की एक बड़ी सी जो मूर्ति है इसके पास लेकर आ गया हूँ आपको। तो कुछ इस टाइप की ये जो है भोलेनाथ जी की फोटो की एक बड़ी सी जो है एक मूर्ति जी है जो कि काफी खूबसूरत दिखाई पड़ रही है इस वक्त। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे ये डायरेक्ट जो है प्रसारण हो रहा है इसका यहाँ पे बड़ी सी स्क्रीन पे कि सबको दिखाई पड़ सके। तो चलिए दोस्तों आपको जानकारी दे देते हैं परमार्थ निकेतन के बारे में। तो उत्तराखंड राज्य में ऋषिकेश में स्थित यह आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है ऋषिकेश का। इसकी स्थापना 1942 में संत सुकेतानंद जी ने की थी और 1986 में स्वामी चिंतानंद सरस्वती इनके अध्यक्ष व आध्यात्मिक मुखिया हैं। और आपको इसके बारे में बता दूँ कि परमार्थ आश्रम ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है। इसमें 1000 से भी अधिक कक्ष हैं और आश्रम में प्रतिदिन प्रभात के समय सामूहिक पूजा और योग एवं ध्यान सत्संग व्याख्यान कीर्तन सूर्यास्त के समय यहाँ गंगा आरती होती है। इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद चिकित्सा और आयुर्वेद प्रशिक्षण आदि भी दिए जाते हैं। आश्रम में भगवान शिव की 14 फुट ऊँची प्रतिमा स्थापित है और प्रांगण में कल्प वृक्ष भी है। दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे साथ आप भी सभी यहाँ पे सौभाग्यशाली है कि यहाँ पे स्वयं स्वामी चिदानंद सरस्वती जी आरती में सम्मिलित होते हुए। तो यहाँ पे आप आरती में आखिरी तक बने रहें, आप भी आरती का आनंद लीजिए। तो चलिए आरती में बैठते हैं और आरती का आनंद लेते हैं और आप भी आरती का आनंद लीजिए। हमारे महान संत जो कि परमार्थ निकेतन में हमें मुख्यतः दिखाई देते हैं। तो ये जो है आज की आरती माए हमारा सौभाग्य है कि हमें को जो दिखाई ये यहाँ पे मिले। हरे
दोस्तों आप देखिए आगे गंगा आरती स्टार्ट हो चुकी है। स्वामी चित्तानंद जी जो है यहाँ पे स्वयं उपस्थित है और सामने जो है गंगा आरती हो रही है, आप देख सकते हैं। आपको जूम करके मैं दिखा देता हूँ थोड़ा। माता की आरती जो है बहुत ही अच्छे ढंग से हो रही है। देखिए यहाँ पे कुछ जो है नए शिष्य भी जो हैं वो भी कितनी अच्छी तरह से आरती हो रही है। सामने देख सकते हैं अब कि किसी के किस टाइप से आपको रात को दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों आज का जो है हमारा ऋषिकेश का जो ब्लॉग है आज परमार्थ निकेतन में जो है यहाँ के गंगा आरती के बाद जो है लगभग समाप्त हो चुका है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, चैनल की जो है प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं हम ऐसी ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए आगे भी बनाते रहे और नई नई जगहें आपको दिखाते रहे तो आप जो है हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो।